गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। गाइज आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं हम फायरबोल्ट सुप्रीम एंड फायरबोल्ट मैक्स स्मार्ट वॉच के बीच में। गाइज दोनों ही स्मार्ट वॉचेज जो हैं रेक्टेंगुलर डिज़ाइन वाली डिस्प्ले के साथ आती हैं। एक में एमोलेड डिस्प्ले है, एक में LTPS रेटिना डिस्प्ले है। तो गाइज दोनों ही स्मार्ट वॉचेज काफ़ी सिमिलर हैं बट प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। तो गाइज ऐसे में थोड़ा सा जो है डाउट तो रहता है कि कौन सी स्मार्ट वॉच हमें लेनी चाहिए फिर कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या एक्चुअल में जो है हमें दोनों स्मार्ट वॉचेज में डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। तो गाइज इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। गाइस बात करते हैं सबसे पहले हम डिस्प्ले की। तो गाइस आपको फायरबोल्ट सुप्रीम 1.79 इंच का जो है LTPS 368x448 पिक्सल्स वाला रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं आपको फायरबोल्ट मैक्स में जो है 1.78 इंच का 368x448 पिक्सल का इसमें भी आपको जो है एमोलेड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर हम ऑलवेज ऑन फीचर की, तो गाइस आपको सिर्फ मैक्स में देखने को मिलेगा, सुप्रीम में देखने को नहीं मिलता ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर। कंपैटिबिलिटी में एंड्रॉइड एंड iOS को दोनों ही डिवाइस सपोर्ट करती हैं। ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में स्पेसिफाई नहीं है किस तरह का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। इस बात करें अगर हम बॉडी टाइप की, तो गाइस आपको जो है फायरबोल्ट सुप्रीम में जो है एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिल जाती है, वहीं आपको फायरबोल्ट मैक्स में भी जो है मेटेलिक बॉडी मिलती है, बट कंपनी ने जो है स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मेटल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा गाइस वेट की अगर बात करें तो अप्रॉक्स जो है 40-50 ग्राम्स के आसपास वेट देखने को मिलेगा आपको सुप्रीम का, वहीं 42 ग्राम वेट के साथ आती है फायरबोल्ट मैक्स। बात करेगा स्ट्रैप की, तो दोनों ही डिवाइसेज में जो है 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल में गाइस कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल्स, मैसेज एंड अदर सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों वॉचेज में। कॉलिंग फंक्शन की बात करें तो गाइस आपको जो है दोनों स्मार्ट वॉचेज में म्यूट एंड कॉल रिजेक्शन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ वर्जन के साथ आते हैं दोनों डिवाइसेस। चार्जिंग टाइप की बात करें तो गाइस मैग्नेटिक केबल चार्जिंग आपको दोनों ही वॉचेज में देखने को मिलेगी। बैटरी की बात करें तो गाइस दोनों ही डिवाइसेज में जो ऑलमोस्ट सिमिलर सी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। सुप्रीम में कंपनी क्लेम करती है 8 डेज़ का बैकअप, वहीं जो है मैक्स में 10 डेज़ का क्लेम करती है कंपनी। तो आपको नॉर्मली 5-6 डेज़ का बैकअप दोनों ही डिवाइसेज में देखने को मिल जाएगा। बिल्टिन GPS की बात करें तो दोनों डिवाइसेज में देखने को नहीं मिलता है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो गाइस आपको जो है 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट फीचर दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिल जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की बात करें तो गाइस दोनों ही वॉचेज में अवेलेबल है। जो वॉच फेस है गाइस वो भी 100+ देखने को मिल जाएंगे दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। 20 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे सुप्रीम में, वहीं 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं आपको फायरबोल्ट मैक्स में। बात करते हैं गाइस कुछ अदर अट्रैक्टिव फीचर्स है सेंसर्स की। गाइस आपको जो है सुप्रीम में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्लीप मॉनिटरिंग एंड जो है आपको कैलकुलेटर जैसे अट्रैक्टिव फीचर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें फायरबोल्ट मैक्स की तो आपको इसमें हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग है, BP मॉनिटरिंग इसमें भी है, ब्रीथ मोड भी दिया गया है, फीमेल साइकिल ट्रैकर जैसे फीचर देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस प्राइस की तो सुप्रीम का जो अमेज़ॉन पे प्राइस रखा गया है ऑफर में 3799 का प्राइस रखा गया है, हो सकता है आगे जो है इंक्रीज़ हो प्राइस थोड़ा बहुत। वहीं फायरबोल्ट मैक्स का जो है फ्लिपकार्ट प्राइस है 4499 का ऑफर में, इसके बाद इसका भी प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। बात करें गाइस एप्लीकेशन की तो फायरबोल्ट सुप्रीम जो है कंपेटेबल है डाफिट एप्लीकेशन के साथ, वहीं फायरबोल्ट मैक्स के लिए जो है न्यू एप्लीकेशन कंपनी ने लॉन्च की है जिसका नाम है फिट क्लाउड प्रो। चलिए बात करते गाइस, देखते हैं क्या क्या एक्चुअल में डिफरेंसेस है दोनों वॉचेस में एंड कौन से फीचर्स जो हैं इनको एक दूसरे से आगे करते हैं। की सबसे पहले चलिए देखते हैं कौन कौन से हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को अलग करते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले बात करते हैं फायरबोल्ट सुप्रीम की। तो गाइस फायरबोल्ट सुप्रीम में आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा फीचर देखने को नहीं मिलता है जिससे कि फायरबोल्ट सुप्रीम आगे निकल जाए मैक्स से। आपको डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि 20 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं कंपेयर टू 12 स्पोर्ट्स मोड इन मैक्स। इसके अलावा गाइस जो है आपको 700 रुपीज़ प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैक्स का प्राइस 4499 है, वहीं 3799 के प्राइस पे जो है आपको सुप्रीम देखने को मिल जाती है इनिशियली लॉन्च प्राइस में। एंड इसके अलावा गाइस जो है डाफिट एप्लीकेशन के साथ जो है पेयर होती है एंड जो है कनेक्ट होती है। इसके अलावा गाइस कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जो कि मेजर डिफरेंस हो। वहीं मैक्स की बात करें तो गाइस आपको जो इसमें एमोलेड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो रेटिना डिस्प्ले एंड साथ साथ जो है गाइस एमोलेड पैनल होने की वजह से जो है काफ़ी डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं डिस्प्ले पर, जिससे बाकी के जो कलर्स हैं काफ़ी अच्छे खिल के आते हैं। एंड गाइस डीप ब्लैक्स की वजह से जो ब्लैक एरिया के पिक्सल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं कम्प्लीटली यूज़ टाइम पर, तो उससे थोड़ी सी बैटरी भी सेव होती है। बाकी ये ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। LTPS जो है रेटिना डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो है एक्चुअल कलर प्रोड्यूस करता है जो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं।
तो आपको जो है ये थोड़े से डिफरेंस देखने को मिलेंगे डिस्प्ले पर। इसके अलावा गाइज आपको फीमेल साइकिल ट्रैकर देखने को मिल जाएगा मैक्स में, एंड साथ ही साथ गाइज जो है फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन के साथ जो है पेयर होती है, जो कि न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया है फायरबोल्ट की तरफ से। तो ये जो है डिफरेंसेस आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी जो है माइनस से डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करें गाइस की वर्डिक की कि कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए फिर कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो गाइस दोनों ही स्मार्ट वॉचेस जो हैं मेरे अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सिमिलर हैं। प्राइस का डिफरेंस 700 है, तो ओवरऑल अगर वैल्यू फॉर मनी की मैं बात करूं तो यहां कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम को बाय करना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले पसंद है तो ही जाइए फायरबोल्ट मैक्स की तरफ, अदरवाइज जो है आपको ज़्यादा वैल्यू मिलता है फायरबोल्ट सुप्रीम स्मार्ट वॉच से। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस को नोटिफिकेशन का हिसाब से मिस ना हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।